नमस्कार, आप सुन रहे हैं पत्रिका पॉडकास्ट और आज हम आपके लिए एक लघु कथा लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है कलर बॉक्स और इसकी रचयिता है डॉक्टर शिखा अग्रवाल। कल शाम से ईरा के मस्तिष्क में हमें तो सीधी साधी लड़की चाहिए शब्द हथौड़े की तरह बज रहे थे। उन लोगों की परिभाषा में सीधी साधी मतलब पढ़ी लिखी, नौकरी पेशा, घर के सारे काम कर ले, ससुराल के नियम कायदे माने और घर के पुरुषों के अधीन रहे। जैसे लड़की ना हुई, कलर बॉक्स हो गई जिसको अपने हिसाब से मिक्स एंड मैच कर लो। कल से उसके अंदर आक्रोश भरा हुआ था कि ऐसे लोगों की आधुनिकता केवल बहू को नौकरी करवाने तक ही सीमित है। परसों जब उसने लड़के वालों को बताया कि कुछ दिन पहले वह देहरादून सोलो ट्रिप पर गई थी तो उनका व्यवहार बदल ही गया और अगले ही दिन पापा के पास रिजेक्शन का फोन आ गया। ऑफिस से लौटते हुए मन में चल रहे इन्हीं तर्क वितर्क के बीच उसने देखा कि रोड पर कोई एक्सीडेंट हो गया है। कार से उतरकर जब वह घायल के पास पहुंची, अरे ये तो सार्थक है जो परसों उसे देखने आए थे। एक बार दिल ने कहा, छोड़ो घर को लेट हो रही हूं, पर अगले ही पल अंतर्मन ने धिक्कारा। वो तुरंत कुछ लोगों की मदद से उसे बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल ले गई। अपने पापा से उसके पेरेंट्स को कॉल भी करवा दिया। होश में आते ही ईरा को देखकर सार्थक हतप्रभ रह गया। फिर बेहद शर्मिंदगी से बोला, सॉरी ईरा, हम बहुत गलत थे। ईरा ने कोई उत्तर नहीं दिया। सामने से आते सार्थक के माता पिता को प्रणाम कर वे हॉस्पिटल से निकल गई।